वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मानसून का एंजॉय भी ले रहे होंगे, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। और हम यूपी ट्रिपल एससी 2021 पेट का कोर्स हम कवर कर रहे थे, उससे लेके ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर आपको कवर करा दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। यदि आप देखेंगे तो आप इजीली से आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, लाइक भी करते होंगे और सब्सक्राइब तो सॉरी शेयर भी करते होंगे। फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के सिलेबस वाइज, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज और टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं पेट का, उसका लगभग मैं 50 से 60 मार्क्स अकेले मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होंगे मैं अदर टीचर से आपको कवर कराऊंगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ जल्दी जल्दी आप इस सीरीज को मैं आपको कवर कराऊँ। और हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करेंट अफेयर और जितने भी पोर्शन है रेस्ट ऑफ द पोर्शन मैं आपको कवर कराऊँ। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कवर कराया था, उससे रिलेटेड टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन कवर कराया था। वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमने पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ लिया है, ये फोर्थ लेक्चर होने वाले हैं। और इसमें हम वैदिक काल से रिलेटेड, जिसमें ऋग वैदिक काल भी मान सकते हैं, उत्तर वैदिक काल भी मान सकते हैं, वैदिक काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन संभवतः इस वाले पोर्शन से आ जाते हैं, तो इस वाले पोर्शन को आप इग्नोर ना करें और इसे देखें। और इफ़ इट इज पॉसिबल फॉर यू देन मेक अ नोट, आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आप परीक्षा में जाने से पहले इसे एक बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट है और इसे एक बार देख लेंगे तो आपका एक मार्क्स दो मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। करा ये दिशा है, राजा का पद है, उत्तर वैदिकालीन, वैदिकालीन सॉरी वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद से राजपूत काल। ये जितने भी काल रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास का, उस भारतीय इतिहास में राजाओं को अलग अलग दिशा में अलग अलग नाम से जाना जाता था। उस नाम को आज हम देखते हैं और उस दिशा को भी देखते हैं, किस दिशा में राजा किस नाम से जाना जाता था। पूरब साइड में राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम साइड में राजा को स्वराट कहा जाता था, उत्तर साइड में विराट कहा जाता था, दक्षिण साइड में भोज कहा जाता था और मध्य देश में राजा को राजा ही कहा जाता था, क्योंकि हम लोग एक्चुअली मध्य देश में आते हैं और मध्य का जो पार्ट था मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट यूपी का, कुछ पार्ट आपका गुजरात का, राजस्थान का, लेकिन ये मध्य देश कहलाता था। और यहाँ का जो हेड होता था उस जमाने में राजतंत्रात्मक सिस्टम में, वहाँ के जो हेड होते थे उस हेड को राजा कहा जाता था। और बाकी पूरब में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, और जो चारों दिशाओं का स्वामी होता था, जो चारों दिशाओं पर जिसको बीजक प्राप्त कर लेता था उसको एक राट कहा जाता था। जैसे महापद्म नंद, मौर्य वंश पढ़ाऊंगा उससे पहले नंद वंश पढ़ाऊंगा, उसमें महापद्म नंद के बारे में बात करूंगा। ये लोग महान थे और पूरे चारों दिशाओं को जीत चुके थे, इसलिए इन्हें एक राट कहा गया, चारों दिशाओं का विजेता एक राट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ऋग्वेदिक काल से लेके मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, इन तमाम समय काल के दौरान बीच बीच में एक एक अपने अपने मत लेके विचारक कह लीजिए या थिंकर्स कह लीजिए, थिंकर्स विचारक या फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री, अपने अपने विचार लेके प्रकट किए हैं और उनके विचार को निम्न नामों में जाने जाते हैं। और उनके प्रवर्तक कौन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और आने की भी ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं, आइए उसको देख लेते हैं। चार्वाक दर्शन बोला जाता है, इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। इन सारी चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट लेक्चर सीरीज अलग से। चार्वाक दर्शन
भौतिकवादी दर्शन इसे कहते हैं, इसके प्रवर्तक चरवाक को कहते हैं। योग दर्शन पतंजलि आप जानते हैं, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायन और वैशेषिक कड़ाद। एक बार देख लेते हैं, चरवाक चरवाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायन, वैशेषिक कणाद। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां थी, उनका उस जमाने में कुछ और नाम था और आज आधुनिक काल में उनका नाम कुछ और है, उनको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो आज की कुर्रम नदी है उसको हम कुरुमु कहते थे, आज की जो काबुल नदी है उसको कुभा कहा जाता था, आज की जो झेलम नदी है उसे बितस्ता कहा जाता था, आज की जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी कहा जाता था, आज की रावी है उसको परुषणी कहा जाता था, आज की सतलज को सतुद्री कहा जाता था, आज के ब्यास को विपाशा कहा जाता था, आज के गंडक को सदानीरा कहा जाता था, आज के घग्गर को दृष्टद्वती कहा जाता था, आज के गोमल को गोमती कहा जाता था, आज के स्वात को सुवस्तु कहा जाता था। ये है प्राचीन नाम और राइट साइड में है आधुनिक नाम, एक बार इसे आप देख लेंगे। उसके बाद है ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक काल में काफी ज्यादा देवता थे, उन देवताओं का नाम अलग अलग था, उन देवताओं से रिलेटेड जो लोग पूजा करते थे वो अलग अलग थे। आइए उनको एक बार देख लेते हैं। इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा का देवता कहलाते थे, इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता। वरुण समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता। घव आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आधी तूफान का देवता। आप इसे एक बार देख लेंगे। और अब है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो आए दिन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और उस वर्ड का डायरेक्टली आपको मीनिंग अर्थ पूछ लिया जाता है, इस अर्थ से संबंध क्या होता है यानी इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। आप वैसे ऑप्शन देके आप ट्रिक लगा लीजिएगा। आइए इसको बता देते हैं। श्याम या कृष्ण अयस्क, मैं जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, जैसे लोहा का है तो लोहा को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क बोला जाता था। कैवर्त, कैवर्त मीन्स मछुआरा। सिर मीन्स हल या सीधा या सिर मीन्स हल। करभार, करभार मीन्स लोहार, दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर भी देख लीजिए मैं बोल दे रहा हूँ। तक्षड़, तक्षड़ मीन्स बढ़ई, तक्षड़ मीन्स बढ़ई। नीचे है लांगल, लांगल मीन्स हल, लांगल मीन्स हल। वापति, वापति मीन्स नाई। धनो, धनो मीन्स मरुस्थल। धान्य, धान्य मीन्स अनाज। उर्वरा, उर्वरा मीन्स जुते हुए खेत। खिल्य, खिल्य मीन्स चारागाह, यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं। खिल्य मीन्स चारागाह, खिल्य मीन्स चारा गाह। लास्ट में बेकनाट, सूदखोर। बे क नाट, बेकनाट मीन्स सूदखोर, जो ब्याज का पैसा खाता उसे बेकनाट उस जमाने में कहा जाता था। चरसिड़ी खेत, किवास को हलवाहा, साकम खाद, उसके बाद है खल, खल को खलिहान, खलिहान। लास्ट में क्षेत्र खेत, क्षेत्र खेत। ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिशा एवं दिशा से संबंधित जो राजा थे, राजा का पद था उसको मैंने पढ़ाया। उस जमाने से लेके प्राचीन काल से लेके मध्य काल तक राजाओं का क्रम और उसके बाद से दर्शन और उसके प्रवर्तक, कौन से दर्शन कौन से फिलॉसफी को कौन से फाउंडर लेके आए थे उनको मैंने यहाँ पे बताया। ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनका प्राचीन नाम आज के नाम से कैसा था वो मैंने बताया। ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता थे जैसे इंद्र, वरुण, घव, सोम, उषा, अश्विनी, पूषण, विष्णु, मरुत, मैंने सबको और इनकी विशेषताओं को मैंने बताया। और कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो हूबहू और डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, मैंने आपको बताया। या आप एक बार देख लेंगे या दो बार लेक्चर को देख लेंगे
या दो से अधिक बार देख लेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, या इसे शॉर्ट नोट्स एक पेज में आएगा, एक पेज में से आप नोट डाउन करके रख लेंगे और एग्जाम में जाने से पहले 1 वीक पहले आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा और परीक्षा में भी लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।